पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों में मुआशी तआवुन के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। शेख मोहम्मद बिन जैद ने दो तरफा तआवुन को एक नई जहत दे दी है। इन समझौतों के मुआशियत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुत्तहदा अरब अमारात से खसूसी पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म आज दो रोज़ा दौरा पर कुवैत पहुँचेंगे। वली अहद शेख मिशेल अल जाबर अल साबेह वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और कुवैत में तवानाई और दिफा के शोबे में मुख्तलिफ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने भी मौजूद थे। पाकिस्तान और यूएई में तवानाई पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फूड सिक्योरिटी लॉजिस्टिक मातनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी के तआवुन से मुतालिक मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। तारीखी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। SEFC के तहत मुख्तलिफ इकदामात को पूरा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत को एक तारीखी इकदाम करार दिया। अलअज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। माजरत के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, नैब ने सिर्फ डाके का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ट्रायल कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अदम मौजूदगी में फैसला सुनाया। दोनों कुलसुम नवाज की अयादत के लिए लंदन में मौजूद थे। एहतसाब अदालत को फैसले सुनने की तारीख तब्दील करने की इस्तदा की गई। ट्रायल कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त उसी दिन मुस्तरद कर दी और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा सुना दी। ट्रायल के दौरान विलियम टेन की कॉपी भी हमें नहीं दी गई। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दलाइल आज़म नज़ीर तारण ने नवाज शरीफ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। आपने इस्तिस्ना लेना है तो दरख्वास्त दें, फिर देखेंगे। चीफ जस्टिस का मुकालमा। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत बुध तक मुलतवी।